नमस्कार दोस्तों, टिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरओ एआरओ जीएस मॉक टेस्ट 86, जिसमें कि 35 प्रश्न होंगे। ये प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में दिए गए हैं और ये प्रश्न आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दूंगी फाउंडेशन कोर्स की, जो कि रिकॉर्ड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर आरओ एआरओ के सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड की जाएगी पीडीएफ के फॉर्मेट में, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जहां पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर डिस्कस भी कर सकते हैं। अगर इस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए क्लास, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, यहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है, जो कि आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से। और अगर इस बुक को अगर आप चाहें तो अपने नियरेस्ट बुक स्टोर से जाकर खरीद भी सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो एक बार इसका अध्ययन आप लोग जरूर करिए। इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए। चलिए आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में दिया गया है। जहां पर इंग्लिश में पढ़ने की जरूरत होगी उस प्रश्न को मैं इंग्लिश में भी पढ़ूंगी, ठीक है, लेकिन सारे प्रश्नों को दोनों माध्यम में नहीं पढ़ा जाएगा, इसलिए ताकि आपका समय ना बर्बाद हो, ठीक है। तो जहां पर भी इंग्लिश में जरूरत होगी वहां पर मैं जरूर बताऊंगी, उसकी चिंता आप मत करिए। मैं पूरा प्रयास करूंगी कि दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स को कोई भी दिक्कत ना हो। पहला प्रश्न देखते हैं जो कि यूपी स्पेशल से रिलेटेड है। अभी तक आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ने इसका आंसर भी दे लिया होगा। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में प्रमुख लोकगीत है, तो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? तो यहाँ पे ए बी सी डी दिया गया है, तो आप पढ़िए इसको और मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है कजरी च्याती बिरहा, ठीक है। कजरी च्याती बिरहा जो है वो पूर्वांचल का लोकगीत है। अगर हम बात करें डोला और रागनी की, तो डोला और रागनी जो है ये आपके आगरा व मेरठ में प्रचलित लोकगीत है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम रसिया की बात करें क्लास, तो रसिया आपके ब्रज में, ब्रज क्षेत्र में गाया जाता है, ठीक है। यहां पर हम देख लेते हैं व्याख्या को देख लेते हैं ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर सी है। पूर्वांचल की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो प्रचलित लोकगीत है उसमें कजरी आता है, जिसको कि कहीं कहीं कजली भी लिखा रहता है, चैती आता है, बिरहा आता है, झूमर आता है, दादरा आता है, कहरवा आता है और सोहर आता है। आप सभी को पता है जब बेटा होता है तो लोग सोहर गाते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र की अब हम बात करते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में जो प्रचलित लोकगीत है उसमें आला आता है, इसुरी भाग आता है, पनवारा आता है और हरदौला आता है, ठीक है। ब्रज क्षेत्र में प्रचलित जो लोकगीत है उसमें रसिया, लंगूरिया, झूला, होरी और फाग, फाग जो फाल्गुन में गाया जाता है। आगरा व मेरठ क्षेत्र में प्रचलित जो महत्वपूर्ण लोकगीत है वो है डोला और रागनी। तो यहाँ पर आपका सी सही उत्तर था। अगला प्रश्न हम देखते हैं, दूसरा प्रश्न देखिए। ऋग्वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन चुने। तो पहला आपका दिया गया, इस काल के राजनीतिक संगठन की जो सबसे बड़ी इकाई थी वो जन थी, और इस काल में इंद्र और प्रजापति अंतरिक्ष के देवता थे। तो यहाँ पर क्लास दोनों ही जो स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं वो बिल्कुल ही सही है, और इस प्रश्न का सही उत्तर आपका है दो का सी। हम व्याख्या देख लेते हैं यहाँ पर ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ऋग्वैदिक काल की जब हम बात करते हैं, यहाँ पर जो सबसे छोटी इकाई होती थी उसके लिए जो शब्द यूज किया जाता था वो था परिवार या फिर कुल, ठीक है। और कुल का जो मुखिया होता था, जो प्रधान होता था, उसके लिए जो शब्द यूज किया जाता था, प्रयोग किया जाता था, वह था कुलू या गृहपति। परिवार और कुल के ऊपर ग्राम होता था, ग्राम का जो प्रमुख था उसको ग्रामणी कहते थे, ग्राम के ऊपर विश्व हुआ करता था, इसका जो प्रमुख था उसको विश्वपति कहते थे, और सबसे लार्जेस्ट जो इकाई थी, जो लार्जेस्ट यूनिट थी, ठीक है, सबसे बड़ी इकाई थी वो थी जन, जिसके के लिए जिसको कि जो प्रधान था इसका उसको क्या कहते थे, जनपति कहते थे। तो देखिए क्लास, हो सकता है पेपर में आपसे ये प्रश्न इस तरीके से पूछे कि छोटी इकाई से बड़ी इकाई की ओर इसको अरेंज करें, तो आप याद रखिएगा कुल, कुल के बाद ग्राम, ग्राम के बाद विश आता है, फिर जन आता है। अगर पेपर में ये प्रश्न बनेगा तो इन्हीं दोनों को इंटरचेंज कर देगा, ठीक है।
एक जगह ग्राम को ऊपर रख देगा, एक जगह विश को ऊपर रख देगा, लेकिन आप याद रखेंगे कुल के बाद ग्राम आता है, ग्राम के बाद विश आता है और विश के बाद जन आता है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब यहां पर थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं ऋग्वेद से रिलेटेड चीजों को, ताकि आपका थोड़ा सा और चीजें क्लियर हो जाए। वैसे आप लोगों को आता होगा, मुझे पता है। जब भी हम ऋग्वेद की बात करते हैं तो आप सभी को पता है इसमें कितने मंडल हैं, इसमें 10 मंडल हैं, सबको पता है। और अगर इसमें हम सूक्त की बात करें तो कितने सूक्त हैं आपके, 1028। देखिए अगर 2-8 को भी आप जोड़ोगे तब भी 10 ही आएगा, तो 1028 आपके सूक्त हैं, इतना आपको पता है, ठीक है। अब पेपर में प्रश्न पूछता है कि जो गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र है वो किस मंडल में आपका मेंशन है, तो बताइए गायत्री मंत्र तीसरे मंडल में मेंशन है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। गायत्री मंत्र को लिखा किसने है, विश्वामित्र ने लिखा है, ठीक है। और गायत्री मंत्र किस भगवान के लिए डेडिकेटेड है, ठीक है, किसको डेडिकेट किया गया है, ये सन को, सूर्य देवता को। ये सारी चीजें याद रखिए, पेपर में पूछा जाता है। इसी तरीके से एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो शूद्र टर्म है, शूद्र की जब हम बात करते हैं, ये पहली बार कहां पर मेंशन है, तो आप याद रखेंगे जो पुरुष सूक्त है उसमें सबसे पहले सूर्य शूद्र टर्म मेंशन है, ये चीज याद रखिएगा, क्योंकि ये पेपर में पूछा गया इसलिए मैं आपको बता रही हूं। और ये आपका किस मंडल में है, 10वें मंडल में है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है क्लास। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे अब। अच्छा यहां पर एक पॉइंट और मैं आपको बताऊंगी, देखिए यहां पर जब भी हम ऋग वैदिक काल की बात करते हैं तो इंद्र, प्रजापति, यम, अदिति, रुद्र, प्रजन्य, ये सारे जो हैं ये आपके अंतरिक्ष के देवता हैं, ठीक है। आकाश के देवताओं की अगर हम बात करेंगे तो इसमें वरुण आते हैं, मित्र आते हैं, सूर्य आते हैं, विष्णु आते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। और अग्नि, सोम और बृहस्पति जो है वो पृथ्वी के देवता है। चलिए क्लास अब हम तीसरे प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे 6वां प्रश्न लिखा है, इसको आप तीसरा प्रश्न कर लीजिए, ठीक है। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान नहीं घटित हुई थी, तो कौन सी नहीं घटित हुई थी देखते हैं। यहाँ पे विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की बात की गई है, बंगाल का विभाजन आप सभी को पता है कब हुआ है, 1905 में हुआ है, ठीक है। विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की बात करें तो लॉर्ड कर्जन के समय एक यूनिवर्सिटी एक्ट आया है जो कि आपका 1904 में, और 1902 में एक रेले कमीशन आया है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। फिर यहां पर हम देखते हैं सी आपका क्या दिया गया, महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका से भारत आगमन, तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे, 1915 में आए थे, और ये किसका कार्यकाल था, लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल था, आपको पता होना चाहिए। याद करिए क्लास 1905 में हमने जो बंगाल विभाजन की बात की है, बंगाल विभाजन की बात मैं आपको एक बार रिवाइज कराती हूँ। देखिए 1905 में क्या हुआ, बंगाल का विभाजन हुआ, पार्टीशन हुआ, ठीक है, जो बंगाल था उसको दो हिस्सों में बांट दिया गया। इसके बाद 1907 में क्या हुआ है, सूरत स्प्लिट हुआ है, ठीक है, महत्वपूर्ण घटनाओं पे हम बात करते हैं, सूरत स्प्लिट हुआ है, गरम दल और नरम दल में कांग्रेस का विभाजन हो गया है। फिर हम बात करते हैं 1909 में कौन सा रिफॉर्म आया है, मॉल्ले मिंटो रिफॉर्म, ठीक है, और आपको पता चल जाएगा यहां से जब हम मॉल्ले मिंटो की बात करेंगे, जो मॉल्ले थे वो उस समय भारत में सेक्रेटरी थे और जो वॉइसरॉय था भारत में वो कौन था, मिंटो था, ठीक है। और मॉल्ले मिंटो रिफॉर्म में एक बहुत बड़ा प्रोविजन था जिसको कि हम कहते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई है। सेपरेट इलेक्टोरेट की बात किसके लिए की गई है बताइए, मुस्लिम्स के लिए की गई है, याद रखिएगा। अब यहीं पे जैसे मुस्लिम की बात आई, मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की, मेरे दिमाग में तुरंत आ गया कि 1905 के बाद एक और घटना जो हुई थी, क्या 1906 में मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ था, तो एक स्टोरी की तरह याद करिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम 1911 की बात करते हैं, 1911 और 12 में आपका ये क्या हुआ है, दिल्ली दरबार हुआ है, उस समय वाइसरॉय कौन था बताइए, लॉर्ड हार्डिंग था, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग था। और इसी समय जो बंगाल का विभाजन था उसको रद्द किया गया और जो कैपिटल थी, ठीक है, उसको कहां से कहां ट्रांसफर किया गया, उसको दिल्ली ट्रांसफर किया गया, ये चीज याद रखिएगा, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अब यहां पर महात्मा गांधी जब भारत आए 1915 में, तो उस समय भी आपके वाइसरॉय कौन थे, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे, याद रखिएगा ये चीज। अच्छा यंग हस्बैंड कैंपेन की बात यहां पे की गई है, तो यंग हस्बैंड कैंपेन की जब हम बात करते हैं तो ये भी आपका लॉर्ड कर्जन के समय में
आया था और यह अभियान जो था वो तिब्बत में रूस के प्रभाव को खत्म करने के लिए था। ठीक है, तो पेपर की दृष्टि से याद रखिएगा, कभी अगर पेपर में पूछे यंग हस्बैंड कैंपेन जो है किसके समय में आया था, लॉर्ड कर्जन के समय में आया था, याद रखिएगा। और अगर पेपर में आपसे पूछे कि यह अभियान किस चीज से रिलेटेड था, तो तिब्बत में रूस के प्रभाव को खत्म करने के लिए इस कैंपेन का शुरुआत की गई थी। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखेंगे। अच्छा, अगला प्रश्न देखने के पहले मैं आपको एक चीज जल्दी से रिवाइज कराती हूँ। देखिए क्लास, पेपर में अक्सर पूछ ले जाता है एजुकेशन से रिलेटेड कमीशन्स के बारे में। ठीक है, ब्रिटिश राज में एजुकेशन से रिलेटेड जो कमीशन्स थे उनके बारे में। तो यहां पर आपको एक चीज याद रखनी है, एक वुड है, ठीक है, जो कि हंटर है। वुड आपका क्या है? हंटर है। रेले उसकी मम्मी है, ठीक है, रेले, और वो सैड है। क्यों सैड है? क्योंकि उनका जो बेटा है वो हंटर है। ठीक है, उन्होंने कहा मुझे हर्ट होता है, मुझे हर्ट होता है। अब समझ लो, रेले की मम्मी को हर्ट की स्पेलिंग HARTआती है, HURT नहीं आती है। ठीक है, बूढ़ी है, भूल जाती है, हर्ट होता है। सर्जेंट से कह रही है, सर्जेंट मुझे हर्ट होता है, मेरा बेटा जो है वो हंटर है। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया, वुड जो है वो हंटर है। ठीक है, वुड जो है वो हंटर है, रेले उसकी मम्मी सैड है, कहती है हर्ट होता है सर्जेंट मुझे। तो यहाँ पे जितने भी कमीशंस की मैंने आपके बताया है ये सारे एजुकेशन से रिलेटेड कमीशन है। अब यहाँ पर देखिए, जब भी हम चार्ल्स वुड डिस्पैच की बात करते हैं तो ये 1854 में आया है। किसके समय में? लॉर्ड डलहौजी के समय में। आप सही सोच रहे हैं, ये लॉर्ड डलहौजी वही है जिसने की डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लगाया था, पहली चीज। ठीक है, याद रखिएगा, जिसने PWD की बात की थी वही लॉर्ड डलहौजी है ये। ठीक है, फिर उसके बाद हंटर कमीशन आया, वुड जो था वो हंटर था। ठीक है, ये 1882 में आया। ये किसके समय में आया? लॉर्ड रिपन के समय में आया। ठीक है, फिर उसके बाद रेले आया। रेले कौन है? मम्मी है ना, रेले। अब लेकिन है यहाँ पे आदमी, लेकिन आपको याद करने के लिए, रेले ये 1902 में आया है। किसके समय में? लॉर्ड कर्जन के समय में। वो सैड है, तो ये सैडलर कमीशन आया 1917 में, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। और फिर उसके बाद हार्टोंग कमीशन लॉर्ड इरविन के समय में आया है 1929 में। और जो सर्जन प्लान है वो लॉर्ड वेवल के समय में आया है 1944 में। ठीक है, तो अगर आपको ये याद रहेगा, सर्जेंट जो है वो लॉर्ड वेवल के समय में आया है, तो आपको ये भी तो याद रहेगा जो वेवल प्लान है वो भी तब 1945 के समय में आया होगा। तो यहां पर इस तरीके से क्लास याद रखिएगा, वुड, हंटर, रेले, सैड, हर्ट, सर्जेंट। ठीक है, मम्मी ने बोला उसके। ये डायरेक्ट पेपर में प्रश्न पूछता है कि कौन सा कमीशन किस चीज से रिलेटेड है, तो एजुकेशन से रिलेटेड सारे कमीशंस आप याद कर लीजिएगा। किस गवर्नर जनरल के समय, वाइसरॉय के समय आया है ये भी याद रखिएगा। अब देखिए एक और मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, यहां पे याद रखिएगा, कैंप, ठीक है, स्ट्रॉ, ला, मैकडॉनल्ड से। ठीक है, अब याद कर लो, यहां पर एक चैंप है। लोग अपने बच्चों को ज्यादातर चैंपियन बोलते ना, हे चैंप। तो एक फादर ने अपने बच्चे से क्या कहा? चैंप, कैंप, स्ट्रॉ, मतलब एक स्ट्रॉ लेके आओ। अब दोनों कोल्ड ड्रिंक पीने जा रहे हैं, तो एक स्ट्रॉ लेके आ, स्ट्रॉ ला मैकडॉनल्ड से, मैकडॉनल्ड से एक स्ट्रॉ ला। तो यहां पे जितने भी कमीशंस दिए गए हैं ये किस चीज से रिलेटेड है? फेमाइन से। ठीक है, ये याद रखिएगा, सूखे से रिलेटेड की बात हम कर रहे हैं, भुखमरी की हम बात कर रहे हैं। आपको पता है एक भुखमरी का एक बहुत बड़ा कारण क्या था? जो सूखा था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा इस तरीके से आप। तो अब दोनों को भूख लगी है, भुखमरी है, सूखा है सब। तो अब यहां पर क्या हुआ? कैंप ने चैम बोला, स्ट्रॉ ला मैकडॉनल्ड से। ठीक है, तो यहां पर देख लीजिए, कैंपबेल कमीशन जो है वो लॉर्ड लॉरेंस के समय पे आई है, फेमाइन से रिलेटेड है। ठीक है, स्ट्रेची कमीशन जो है वो आपका 1880 में आई है, जो कि फेमाइन से रिलेटेड है। इसी तरीके से लाइल कमीशन जो है ये आपका लॉर्ड इल्गिन के समय में आई है, जो कि किस चीज से रिलेटेड है बताइए? फेमाइन से रिलेटेड है। और मैकडॉनल्ड की जब हम बात करेंगे तो ये किस चीज से रिलेटेड है आपका? ये आपका फेमाइन से रिलेटेड है। और किसके समय पे आया है? आपके लॉर्ड कर्जन के समय पे। तो आप याद रखिएगा ये चीज। ठीक है क्लास, तो याद रखेंगे आप यहां पर भुखमरी से रिलेटेड कौन कौन सी है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अकाल, मेनली यहां पर अकाल याद रखिएगा, पेपर में पूछा जाता है अकाल से रिलेटेड कौन कौन से आपके कमीशन है।
ये चीज क्लियर हो गई। अब कर्जन के समय पे दो चीज आप जरूर याद रखिएगा क्लास, यहाँ पर कर्जन के समय पे हमने मैकडोनल्ड कमीशन की बात कर ली और हमने रेले कमीशन की बात कर ली। रेले कमीशन एजुकेशन से रिलेटेड था, मैकडोनल्ड कमीशन आपका किससे रिलेटेड था, फेमाइन से, अकाल से रिलेटेड। मैनफील्ड कमीशन की जब हम बात करेंगे तो ये लॉर्ड डफरिन के समय पे आई है और इस समय ये किस चीज से रिलेटेड है, करेंसी से। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब जैसे डफरिन की बात आई तो आप सभी को पता होगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ है और ये डफरिन था, डफर था, इसलिए आईएनसी को बनने दिया। चलिए आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं, वो हमारा थर्ड क्वेश्चन था ना, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन होगा। नंबरिंग में थोड़ी गलती है, उसके लिए माफ करिएगा। मुरादाबाद स्थित उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी किस व्यक्ति के नाम पर है, तो ये किस व्यक्ति के नाम पर है बताइए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अंबेडकर, चौधरी चरण सिंह या जयप्रकाश नारायण। तो यहां पर सही उत्तर आपका क्या है, भीमराव अंबेडकर, फोर्थ का बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं, जहां पर भी व्याख्या की जरूरत होगी वहां पर मैं व्याख्या दूंगी, उसकी चिंता आप लोग नहीं करेंगे। ये हमारा फिफ्थ प्रश्न है, आज नंबरिंग में थोड़ी गलती हो गई है, ये फिफ्थ है। देखते हैं, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो हम लोग सही उत्तर का चयन करते हैं। देखिए अब यहां पर मैं इंग्लिश में बताऊंगी क्योंकि मुझे पता है इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स को दिक्कत होगी। समवर्ती सूची की हम बात करते हैं, समवर्ती सूची मतलब क्या होता है, कॉन्कुरेंट लिस्ट होता है। ठीक है, तो आप बताइए कॉन्कुरेंट लिस्ट हमने कहां से ली है, कॉन्कुरेंट लिस्ट हमने ली है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, तो ए का सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो यहां पर डी में ही खाली ए का सेकेंड दिया है, तो यही सही उत्तर है, लेकिन हम और भी उसको डिस्कस करेंगे। मूल अधिकार की जब हम बात करते हैं तो ये कहां से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। ठीक है, तो यहां पे देख लीजिए बी का फर्स्ट हो गया। फिर सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, यहां पर फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर की बात की गई है, ये हमने कहां से लिया गया है, हमने लिया है कैनेडा से लिया है। ठीक है, और रिपब्लिक सिस्टम की अगर हम बात करें, ठीक है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था की अगर हम बात करें तो ये कहां से लिया गया है, ये लिया गया है बताइए फ्रांस से। तो यहां पर आपका सही उत्तर डी हो जाएगा। अब क्लास जब भी कॉन्कुरेंट लिस्ट की बात आती है तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए ये हमारे किस शेड्यूल में दिया गया है, सेवन शेड्यूल में। सेवन शेड्यूल में हमने क्या क्या बातें की है, तीन लिस्ट की, यूनियन लिस्ट की, स्टेट लिस्ट की और कॉन्कुरेंट लिस्ट की, जिसको कि हम संघ सूची कहते हैं, राज्य सूची कहते हैं और समवर्ती सूची कहते हैं। ठीक है, अब याद रखिएगा कॉन्कुरेंट लिस्ट लिया कहां से गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न अभी हम देखते हैं, लेकिन उसके पहले एक बार व्याख्या देख, यहाँ पर डी आपका सही उत्तर था। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या क्या चीजें ली गई है, फंडामेंटल राइट्स लिया गया है, मतलब मूल अधिकार लिया गया है, प्रस्तावना ली गई है, प्रेम्बल की बात की गई है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात की गई है, इम्पीचमेंट की बात की गई है। ठीक है, जो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट है वो लिया गया है। ठीक है, उपराष्ट्रपति के पद की बात की गई है, तो यहां पर आपके उपराष्ट्रपति पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की बात की गई है, जुडिशियल रिव्यू की बात की गई है। ठीक है, न्यायिक पुनर्विलोकन की बात की गई है, जिसको कि हम जुडिशियल रिव्यू कह रहे हैं। फिर उसके बाद न्यायिक पालिका का की स्वतंत्रता की बात की गई है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जिसको कहते हैं, और सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना, ये तो ये सब हमने यूएसए से लिया है। अब क्लास देखिए, जब भी हम राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात करते हैं तो ये किस आर्टिकल में दिया गया है, ये आर्टिकल 61 में दिया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं हम, जब हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो यहां से क्या क्या लिया गया है, यहां से कॉन्कुरेंट लिस्ट ली गई है जिसको कि हम समवर्ती सूची कहते हैं। ठीक है, उसके बाद व्यापार वाणिज्य और एवं समागम की स्वतंत्रता, तो जो फ्रीडम ऑफ ट्रेड है ये कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, अब संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है वो किस आर्टिकल में दिया गया, जॉइंट सिटिंग की बात किसमें की गई है, किस अनुच्छेद में, आर्टिकल 108 में। और याद रखिएगा ज्वाइंट सेशन को बुलाता कौन है, ज्वाइंट सेशन को बुलाता राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, लेकिन इसको प्रिसाइड कौन करता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा। ये चीज याद रखना है आपको, पेपर में पूछा जाता है इसलिए मैं आपको बता रही हूं। ठीक है, और अगर आपका स्पीकर ऑफ लोकसभा नहीं होगा, ठीक है, तो आपका डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रिसाइड करेगा, और अगर डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा भी नहीं होगा, एब्सेंट होगा, ठीक है, तो उस समय आपका डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा प्रिसाइड करेगा ज्वाइंट सेशन को, जो कि 108 में दिया गया है।
फ्रांस की अगर हम बात करें तो यहां पर आपका रिपब्लिक स्ट्रक्चर दिया गया है, ठीक है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो आदर्श है, ये भी हमारे कहां से लिए गए हैं, फ्रांस से लिए गए हैं। कनाडा की बात करें क्लास, तो यहां पर सशक्त केंद्र की बात की गई है, जो जो यहां पर हमारा जो सेंटर है वो सशक्त होगा, ठीक है। फेडरल स्ट्रक्चर की जो अवधारणा है वो कनाडा से हमने ली है, जैसे वहां पर है। फिर अवशिष्ट शक्तियों की बात की गई है, जो रेसिडरी पावर है, ठीक है। केंद्र द्वारा राज्यों में राजपाल, गवर्नर की जो पोस्ट है वो कहां से, वो प्रोविजन कहां से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, ये कहां से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। और राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा राज विधेयक सुरक्षित रखना, ठीक है, तो ये भी किसके द्वारा, कहां से लिया गया, कनाडा से। आप सभी को पता है कि अगर गवर्नर चाहे तो किसी भी बिल को, किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए, ठीक है, उनके लिए सुरक्षित रख सकता है। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। अब यहां पे प्रश्न का नंबर पे मत जाइए क्योंकि नंबर कुछ गलत हो गए हैं। निम्नलिखित में से मुद्रास्फीति के प्रभाव के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, कौन सा नहीं सही है, ये पूछा गया है। अब क्लास, जब भी हम मुद्रास्फीति की बात करते हैं तो हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं। आप याद रखिए, बस इस तरीके से याद रखिए, इन्फ्लेशन किस तरीके से देखा जाता है। जब बास्केट ऑफ गुड, मतलब बास्केट ऑफ गुड, हम एक नहीं, हम कई प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, हम कई गुड्स की बात कर रहे हैं, तो जब बास्केट ऑफ गुड का प्राइस आपका समय के साथ बढ़ जाए, मतलब जो वैल्यू है मनी की, वैल्यू ऑफ मनी जो है वो आपका घट जाए। अब मैं इसको कैसे समझाती हूँ, आप लोग अक्सर सुनते होंगे हमारे मम्मी पापा को कहते हुए, अरे हम एक रुपए में कपड़ा भी खरीद लेते थे और पैसा बचा के खाना भी खा लेते थे। अब आप बताओ, आज आप एक रुपए में क्या खरीद पा रहे हो, एक टॉफी भी नहीं खरीद पाओगे। एक टॉफी खरीदने जाओगे तब भी वो 2 रुपए मांग लेगा। तो यहाँ पे जो 1 रुपए की वैल्यू थी पहले के समय, वो समय के साथ घट गई, डेप्रिशिएट कर गई ना, तो यहाँ पर जो वैल्यू ऑफ मनी है वो समय के साथ आपकी घटती गई, तो ये क्या है, ये इन्फ्लेशन है। अब सोचो इसी का उल्टा हो जाए, ठीक है, हम कहें कि अरे पापा हम तो 1 रुपए में कितना सामान खरीद लेते हैं और आप 1 रुपए में क्या खरीद पाते थे, आप तो 1 रुपए में कुछ भी नहीं खरीद पाते थे, तो ये इन्फ्लेशन का उल्टा होगा। तो यहाँ पर अभी उस पर मत फोकस करो, नहीं तो ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। बस ऐसे याद रखो, जब भी हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं, मुद्रास्फीति की बात करते हैं, यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ मनी है वो आपका घट जाता है समय के साथ, ठीक है। अब क्लास एक एक पॉइंट को समझते हुए चलना। यहाँ पर आपको दिया गया है, अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति से सार्वजनिक बचत में कमी आती है, पब्लिक सेविंग आर रिड्यूस बाय द इन्फ्लेशन, ठीक है। अब आप बताओ, इंसान सेव कब करेगा, जब उसके पास पैसे होंगे। अगर किसी की सैलरी जो है वो मैं मान के चल रही हूं 1 लाख है, अच्छा वैल्यू रखते हैं ना। अब तुम लोग सोचोगे मैम 1 लाख तो बहुत ज्यादा होगी, लेकिन थोड़ा बड़ा सोचते हैं, ठीक है। किसी की सैलरी 1 लाख है, लेकिन महंगाई बहुत बढ़ गई है। अब बच्चों की फीस में ही 50,000 चला जा रहा है, खाने में ही 30,000 चला जा रहा है, ठीक है। तो उसके पास बचा 20,000, 20,000 में रोज पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, जिससे भी जाएगा, गाड़ी का पेट्रोल, कुछ भी, तो उसके पास पैसे कितने बचे। जब मैंने 1 लाख की सैलरी के बारे में बोला, तब तो आपको लगा कि अरे मैम 1 लाख पर मंथ क्या मस्त सैलरी है, ठीक है। कुछ लोगों को कम लग रहा होगा, जिनको कम लग रहा है वो 2 जीरो और बढ़ा ले, 100 लाख कर लो, ठीक है। लेकिन अगर कम लग रहा है पर महीने के हिसाब से 1 लाख कम लग रहा है, तो 2 जीरो और बढ़ा लो, 100 लाख कर लो, 100 लाख। लेकिन अगर महंगाई हो गई क्लास, ठीक है, अगर महंगाई होगी तो सब सामान महंगा होगा। आप स्कूल जाओगे, अपने बच्चों को भेजोगे तो उसमें फीस ज्यादा लगेगी, मार्केट से सब्जी लेने जाओगे तो उसका रेट बढ़ा रहेगा, ठीक है, कपड़ा खरीदने जाओगे तो उसका रेट बढ़ा रहेगा। तो महंगाई ज्यादा है तो सैलरी बड़े होने से भी क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सेविंग कहाँ कर पाओगे, अगर महंगाई हो गई तो सेविंग नहीं हो पाएगी, तो पब्लिक सेविंग जो है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। तो पहली चीज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि महंगाई हुई तो खर्चा हुआ, खर्चा हुआ तो पैसे ही नहीं बचे, पैसे नहीं बचेंगे तो सेविंग ही नहीं होगी, ठीक है। दूसरा देखते हैं, इन द इकोनॉमी इन्फ्लेशन बेनिफिट्स द लेंडर व्हाइल द जो डेप्टर्स होते हैं वो आपके जो डेट लिए रहते हैं, मतलब जो उधार लिए रहते हैं, ऋण लिए रहते हैं, उनको हानि होती है। तो क्लास यहां पर देखिए, ये तो आपका गलत है। क्यों क्यों गलत है, अब बताओ। अब इसको भी मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगी। पहले इन्फ्लेशन नहीं था, मतलब हम समझ रहे हैं कि जो पैसे की जो वैल्यू थी वो अच्छी थी। 100 रुपए में तुम
एक किलो सोना खरीद सकते थे, 1 kg गोल्ड तुम खरीद सकते थे 100 रुपए में। उस समय जब तुम 100 रुपए में 1 किलो गोल्ड खरीद सकते थे, तो उससे तुम्हारा एक मित्र आया और तुमसे उसने कहा कि भाई तुम मुझे 100 रुपए दे दो। तो तुमने कहा लो भाई, तुम मेरे सबसे प्रिय मित्र हो तो ले जाओ 100 रुपए। तो तुम्हारे प्रिय मित्र ने तुमसे कहा कि आज मैं तुम्हारा 100 रुपए ले रहा हूं, मैं तुम्हारा 100 रुपए लौटा दूंगा, ठीक है। 10 साल बाद आफ्टर 10 ईयर्स मैं तुम्हारा 100 रुपए लौटा दूंगा। अगर तुम कहोगे तो इसमें 10 रुपए इंटरेस्ट भी दे दूंगा, लेकिन लौटा दूंगा, तुम घबराना मत, ठीक है। तो जो 10 साल पहले आपने अपने मित्र को 100 रुपए दिया था, उस समय आप उस 100 रुपए से 1 किलो गोल्ड खरीद सकते थे। 10 साल बीत गए, आपके मित्र ने आपको 110 रुपए लौटा है। अब महंगाई आ गई है सोसाइटी में, ठीक है, अब महंगाई आ गई है। तो अब जो 110 रुपए की वैल्यू है वो ना के बराबर है, समझने की कोशिश करो, मतलब कुछ वैल्यू ही नहीं है इसकी। तो जो लेंडर था, जो जिसने ऋण दिया, जो आप थे, तो आपको तो लॉस हुआ ना। अगर यही 100 रुपए आप उस समय 1 किलो गोल्ड खरीद लेते, तो उस 1 किलो गोल्ड की वैल्यू कितना बढ़ गई होती, या कहीं और आप यूज कर लिए होते। आज 110 रुपए आपका दोस्त आपको 10 रुपए बढ़ा के भी दे रहा है, इंटरेस्ट के साथ भी दे रहा है, तब भी इस 110 रुपए की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। तो आपके दोस्त को तो फायदा हुआ कि भाई आज मतलब एक छोटी सी जिसकी की कोई वैल्यू नहीं है, उतना अमाउंट उसने आपको लौटाया, लेकिन आपको तो लॉस हुआ। जब 10 साल पहले आपने उसको ऋण दिया था तो उसकी वैल्यू ज्यादा थी। तो समझ में आया? तो जब भी इन्फ्लेशन होता है, जो लेंडर होता है, जो ऋण देता है, उसको लॉस होता है, क्योंकि वैल्यू ऑफ मनी तो समय के साथ घट गई। अब भले उसका पैसा उसको वापस मिल जाए, लेकिन उसकी वैल्यू ही घट गई, कोई मतलब ही नहीं रह गया। लेकिन जो डेटर है, ठीक है, जो आपका ऋणी है, उसको बेनिफिट होता है। तो यहां पर आपका कौन सा हो गया? नॉट करेक्ट, बी हो गया। लेकिन अब मेरा कर्तव्य है, मैं आपको सी और डी भी जल्दी से बता दूं। अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति से आयात में वृद्धि होगी, जबकि निर्यात में कमी होगी। अब देखो यहां पर क्या बोला गया, इंपोर्ट जो है वो इंक्रीज होगा, लेकिन जो एक्सपोर्ट है वो डिक्रीज होगा। अब क्यों ऐसा होगा, ये समझने की कोशिश करो। आपके यहाँ जो वैल्यू ऑफ मनी है वो तो बढ़ गई है, मतलब घट गई है, इन्फ्लेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इंपोर्ट तो करोगे चीजें, लेकिन आप एक्सपोर्ट जब करोगे, जब आप एक्सपोर्ट की बात करोगे, जब आप निर्यात की बात करोगे, तो दूसरी कंट्री कहेगी भाई हम तुमसे क्यों लें, तुम्हारे यहाँ जब इतना मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लग रहा है, तुम इतना महंगा सामान हमको दे रहे हो। अब खुद सोचो, जब भी कोई चीज यहाँ से एक्सपोर्ट करोगे और तुम्हारे यहाँ तुम्हारी इकोनॉमी में बहुत महंगाई आ गई है, तो इसका मतलब एक्सपोर्ट करने में तुम उसको एक हाई रेट में चीजों को एक्सपोर्ट करोगे, क्योंकि अपना एक मार्जिन तो रखोगे, तुम्हें भी तो प्रॉफिट होना चाहिए। लेकिन जब आप एक्सपोर्ट करोगे, तो जो कंट्री आपसे इंपोर्ट करना चाहिए वो कहेगी भारत अगर हमको 100 रुपए किलो चावल दे रहा है, तो चाइना तो हमको 80 रुपए दे रहा है, तो हम उससे ले। भले आपके यहाँ जो चार्ज है, आपने 10 ही रुपए का मार्जिन रखा हो, लेकिन तब भी जो कंट्री आपसे इंपोर्ट करेगी वो तो यही कहेगी ना कि हम तुमसे क्यों खरीदे, तुम महंगा दे रहे हो। तो क्या होगा, एक्सपोर्ट डिक्रीज होगा और इंपोर्ट बढ़ जाएगा। इन द इकोनॉमी इन्फ्लेशन वुड हैव लेड टू एन इंक्रीज इन द एम्प्लॉयमेंट बट अ लॉस टू द पेंशनर। अब बताओ भाई, पेंशनर का भी क्या मतलब है यार, जब पैसे की जो वैल्यू है वो समय के साथ घट रही है, तो जिसको 100 रुपए पेंशन पहले मिलते थे अब मिलेंगे, तो उसके लिए तो उसका वैल्यू नहीं। आज कल उस 100 रुपए में वो बहुत चीज खा लेता था, आज कुछ खरीद ही नहीं पाएगा। तो यही चीज है मुद्रास्फीति का प्रभाव। उपभोक्ता को हानि होती है, जो ऋणदाता होते हैं, जो पैसे दिए रहते हैं, उनको भी हानि होती है। ऋणी जो है, जो आपका ऋण लिया रहता है, उसको लाभ होता है। पेंशन भोगी को हानि होती है। स्थिर आय वर्ग को, जिनकी की जो इनकम है वो समय के साथ नहीं इंक्रीज कर रही है, उनको भी हानि होती है। एक समय जब वो 1 लाख रुपए पाते थे तो उनका पूरा परिवार और सेविंग भी हो जाती थी, लेकिन समय के साथ जब महंगाई बढ़ी और उनकी सैलरी में कोई चेंज नहीं आया, 1 ही लाख रह गई, तो आज वो कुछ नहीं खरीद पा रहे हैं, ठीक है। परिवर्तनशील आय वर्ग को, ठीक है, जिसकी की सैलरी आपकी समय के साथ बढ़ रही है, महंगाई के साथ, ठीक है, महंगाई भत्ता के साथ बढ़ रही है, इंक्रीमेंट हो रही है, उनको लाभ होगा। करारोपण को वृद्धि होगी, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। रोजगार में वृद्धि होगी, सार्वजनिक व्यय में क्या होगा, वृद्धि होगी, एक्सपेंडिचर में वृद्धि होगी ना, सेविंग कम होगी, मैंने आपको बताया, क्योंकि महंगाई है तो पैसा ज्यादा आपका खर्च होगा, लेकिन जो आप बचत करेंगे वो कम होगी, ठीक है। आयात में वृद्धि होगी, ठीक है, इंपोर्ट में, लेकिन निर्यात में क्या होगा, आपका कमी होगी। चलिए यहां पर अब हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से किस देश की सीमा दक्षिण चीन सागर से नहीं लगती है? तो किसकी सीमा नहीं लगती है देख लेते हैं। साउथ चाइना सी की बात की गई है यहाँ पर। यहाँ पर देखिए ये साउथ चाइना सी है, ठीक है, यहाँ पर चाइना है, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है लाओस दिख रहा है, थाईलैंड दिख रहा है, कंबोडिया दिख रहा है, मलेशिया दिख रहा है, इधर इधर इंडोनेशिया दिख रहा है, फिलीपींस दिख रहा है, इधर ताइवान दिख रहा है, कहीं आपको जापान दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? डी, सिक्स्थ का डी आपका सही उत्तर है। अच्छा क्लास, कभी ऐसा लगे कि मैम आपको ज्यादा ही एक्सप्लेन करी। देखो हर क्लास को जब हम पढ़ाते हैं ना तो कई तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ नए होते हैं, कुछ पुराने होते हैं, कुछ एक्सपीरियंस्ड होते हैं, किसी का पहला अटेम्प्ट होता है। जिन्होंने पेपर कई बार दिया है मुझे पता है उन सारे स्टूडेंट्स को ये सब आंसर्स रटे होंगे, मैं समझ रही हूँ, ठीक है। तो आप उस कंडीशन में क्या क्या करिए, स्पीड को बढ़ा लिया करिए या फिर आप एक्सप्लेनेशन को थोड़ा आगे भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। और जो नए स्टूडेंट हैं जो पहली बार पेपर में अपीयर होने जा रहे हैं वो एक एक पॉइंट को ध्यान से सुना करो, क्योंकि पढ़ाते समय ना कई चीजें ऐसी होती है जो दिमाग में आती जाती है और मैं बताती चलती हूँ, तो उसको एक जगह नोट डाउन कर लिया करो। अब देखो साउथ चाइना सी से रिलेटेड अभी हमने डिस्कस कर लिया कि यहाँ पर जापान नहीं होगा, लेकिन आप ये जरूर याद रखिएगा पेपर के लिए कि कौन कौन सी कंट्री आपके साउथ चाइना सी से अपने बॉर्डर को शेयर कर रही है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा क्लास, ठीक है। चलिए अब यहां पर हम देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस रासायनिक पदार्थ को व्यावसायिक स्तर पर मूर्खों का सोना, ठीक है, किसको मूर्खों का सोना कहा जाता है? फूल्स गोल्ड। तो ये आपके आयरन पाइराइट को कहा जाता है, ठीक है, सेवेंथ का ए आपका सही उत्तर है। अब देखो मैं सच बताऊं, जब भी आयरन आता है ना तो ज्योग्राफी याद आ जाती है। अभी आप सोचोगे मैम अभी तो आप साइंस का क्वेश्चन कराए, ज्योग्राफी कहां से याद आ गई? ज्योग्राफी में एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है कि आयरन किस उसमें मिलता है, किस रीजन में मिलता है, बताइए। तो आयरन जो है वो धारवाड़ रीजन में मिलता है, कोयला किस रीजन में मिलता है, गोंडवाना रीजन में मिलता है। तो ऐसे याद रखा करो, जब तुम लोग भी पढ़ो ना तो एक बार जब पढ़ाई हो जाएगी तो सब चीजें तुम लोग को भी ऐसे याद रहेगी। आठवें प्रश्न को हम देखते हैं, ठीक है। अल्मा एटा डिक्लेरेशन जो है वो किस चीज से रिलेटेड है? ये आपका रिलेटेड है प्राइमरी हेल्थ केयर से, याद रखिएगा, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल से। तो एट का सी आपका सही उत्तर है क्लास। अब इन्वायरमेंट की जब भी बात आती है तो यहां पर याद रखना क्योटो प्रोटोकॉल एकदम कभी मत भूलना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मैंने आप लोगों को ये सब पढ़ाया है। जब हम क्योटो प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो हम ग्रीन हाउस गैसेस की बात करते हैं, ठीक है, हम ग्रीन हाउस गैसेस की बात करते हैं। जब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो हम ओजोन लेयर डिप्लीशन की बात करते हैं, ठीक है। और यहीं पे मैंने आपको बताया है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के पहले आपका वियना कन्वेंशन हुआ था जिसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बाद इसमें एक अमेंडमेंट हुआ था जिसको कि हम किगाली अमेंडमेंट कहते हैं। तो ये सब चीज याद रखा करिए, ठीक है। रामसर की अगर हम बात करें, रामसर साइट की, तो याद रखोगे किस चीज से रिलेटेड है? वेटलैंड से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए नौवें प्रश्न को अब हम देखते हैं। नौवां प्रश्न क्या है? खिलाफत और असहयोग आंदोलन की बात की गई है, तो इसको भी एकदम आराम से समझिएगा। खिलाफत और असहयोग आंदोलन के संबंध में किसने कहा था कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, ठीक है। तो किसने कहा था ये? तो यहां पर देखिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड है, लॉर्ड मॉन्टेग्यू है, ठीक है, मॉन्टेग्यू है, ये यहाँ पे कर लेना, और सी एफ एंड्रू है। यहाँ पे ये स्टेटमेंट दिया गया था एचिनसन द्वारा, यहाँ पे ए टी सी एच ऐसे एचिनसन दिया रहता है इंग्लिश में, इसको सही कर लेना, लेकिन स्टेटमेंट याद रखना। अब क्लास जब भी हम असहयोग आंदोलन की बात करते हैं तो याद रखिएगा महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया, ठीक है। आप सभी को पता है इसके पहले रॉलेट एक्ट आया था, ठीक है, रॉलेट एक्ट आया था, और उसके भी पहले अगर याद रखोगे तो जो पहला विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ है, ठीक है, पहला विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ है उसमें भारतीयों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। बोला जाता है कि हमारे बहुत से ऐसे लीडर्स थे जैसे गांधी जी, जिन लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि भारत के सोल्जर्स अंग्रेजों की तरफ से लड़े, ठीक है। तो इसी वजह से यहां पर गांधी जी को केसरे हिंद से सम्मानित भी किया गया था। यहां पर याद रखिएगा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी द्वारा सरकार, मतलब सरकार को मदद करने के लिए, ठीक है, उनको केसरे हिंद से सम्मानित किया गया था। कैसा कैसा मदद करने के लिए? कि आप लोगों से बोला उन्होंने कि आप मतलब सोल्जर्स से कि आप चाहिए लड़िए, ठीक है, अब ऐसे ही ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है।
फिर 1919 में आपको पता है रॉलेट एक्ट आता है और इसी समय जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, ये भी आपको पता है, ठीक है। फिर असहयोग आंदोलन आता है 1920 और 22 में, याद रखिएगा। और जब असहयोग आंदोलन जिस दिन आपका प्रारंभ होता है उस दिन एक बहुत बड़े लीडर की मृत्यु होती है जिनका की नाम है बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। हमने बाल गंगाधर तिलक से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इसके पहले वाले क्लास में डिस्कस किया, जाके वहां पे रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो याद रखिएगा, अब देखिए पेपर में क्या पूछ लेगा, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु, सबको अरेंज करने को बोलेगा। तो आप याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु इसी दिन हुई थी 1 अगस्त 1920 को, जब महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था। और यहाँ पर लक्ष्य क्या रखा गया था, 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति, ठीक है। ये भी प्रश्न पूछा गया कि 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने कहा था, असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी ने कहा था, याद रखिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर मैंने आपको बता दिया केसरे हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को कब दी गई थी, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी द्वारा सरकार के युद्ध प्रयासों में मदद करने के एवज में सरकार ने गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था, ये चीज आप याद रखिएगा। और अब क्या आपको याद रखना है कि केसरे हिंद की उपाधि जो है महात्मा गांधी ने कब त्याग दी थी, ठीक है। तो आप याद रखेंगे जब उन्होंने असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया उसी दौरान महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि को त्याग दिया था, ये पेपर में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। उसमें कई मूवमेंट्स दिए थे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट दिया था, आपका चंपारण दिया था, नॉन कॉर्पोरेशन दिया था, क्विट इंडिया मूवमेंट दिया था, लेकिन आप याद रखोगे कि पहले विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी को केसरे हिंद की उपाधि मिली जिसको कि उन्होंने असहयोग आंदोलन के समय त्याग दिया। इसी तरीके से और चीज जो आपको याद रखनी है यहाँ पर अभी हम डिस्कस करते हैं, देखिए दूसरे स्लाइड में, असहयोग आंदोलन के दौरान मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चितरंजन दास, जवाहरलाल नेहरू तथा राजेंद्र प्रसाद, विट्ठल भाई पटेल ने न्यायालय का बहिष्कार कर आंदोलन में कूद पड़े थे। चलिए यहाँ पे ऐसा आपको रटना नहीं है, इसको याद मत करिए। यहाँ पे जमुना लाल बजाज की बात करें तो इन्होंने राय बहादुर की उपाधि को त्यागा था, तो आप याद रखिएगा किन दो लोगों ने अपनी उपाधि को त्यागा था, एक जमुना लाल बजाज और महात्मा गांधी द्वारा अपनी उपाधि को त्याग दिया था इन लोगों ने। अच्छा क्लास, यहाँ पर एक और पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया, ऐसे आप एक लाइन बनाइएगा, एक सीक्वेंस बनाइएगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई 1919 के समय आपका रॉलेट एक्ट आया, 1919 में आपका जलियांवाला बाग कांड हुआ, उसके बाद 1920 में आपका क्या हुआ, 1920 में दो घटना घटी, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई और नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ, और 1922 में नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया गया। क्यों वापस ले लिया गया, क्योंकि 5 फरवरी को कौन सा इंसिडेंट हुआ था, चौरी चौरा कांड हुआ था गोरखपुर में, ठीक है, जिसके बाद महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को वापस ले लिया। इस मूवमेंट में महात्मा गांधी ने कहा था कि एक साल के भीतर हम आपको स्वराज की प्राप्ति कराएंगे, और बहुत अच्छे से ये मूवमेंट अपने पीक पे था, लेकिन उसी समय चौरी चौरा कांड के कारण इन्होंने इस मूवमेंट को वापस ले लिया, जिसके वजह से जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर्स थे ना वो उनमें मतभेद हो गया, एक प्रो चेंजर्स हो गए और एक नो चेंजर्स हो गए, मतलब कुछ ऐसे लीडर्स थे जो कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में जो प्रोविजंस थे, जो बहिष्कार वाला जो प्रोविजन था सब था, उसको वो कैरी करना चाहते थे, वो चाहते थे ये मूवमेंट अभी खत्म ना हो, लेकिन कुछ लीडर्स ऐसे थे जो महात्मा गांधी के पद पे थे, ठीक है, जो कहते थे अगर वॉयलेंस हुआ तो मूवमेंट खत्म कर दिया जाएगा, और अब चौरी चौरा कांड एक बहुत बड़ी घटना है, इसी वजह से हमको नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को यही रोकना चाहिए। इसी समय 1923 में स्वराजिस्ट पार्टी का भी गठन हुआ, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास द्वारा स्वराजिस्ट पार्टी का फॉर्मेशन हुआ, बस अब इससे ज्यादा नहीं बताऊंगी, अब अगला डिस्कस करेंगे बाद में। अच्छा, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बस बताऊंगी, इसी आंदोलन के दौरान आपके कुछ विद्यापीठ की स्थापना हुई है, जैसे काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में, जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ में, ठीक है, और बिहार विद्यापीठ। तो ये चीज याद रखिएगा, पेपर में कई बार पूछा है कि काशी विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी, तो आप याद रखेंगे कि काशी विद्यापीठ की स्थापना 1920 में हुई थी नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन के समय। चलिए अगला देखते हैं हम, दसवां या हो सकता है कौन सा नंबर है, नंबर में गड़बड़ी है आज। अनवर ए सुलेही, ठीक है, किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है, तो ये किसका है, हितोपदेश का है, पंचतत्र का है, ठीक है, या फिर रामायण का है, या फिर भागवत गीता का है। तो आप में से ज्यादातर स्टूडेंट को इसका आंसर पता होगा, ये पंचतंत्र का
आपकी पर्शियन ट्रांसलेशन है, ठीक है, तो बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न अब हम देखेंगे, चौथा प्रश्न, सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है, ठीक है। यहां पर आप देखते हैं क्या सही है, सोम प्रकाश दिया गया है। अब सोम प्रकाश की अगर हम बात करें तो ये किसके द्वारा लिखित साप्ताहिक समाचार पत्र था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा, तो ए का फोर्थ, ठीक है, ए का फोर्थ दो जगह दिया गया है, बी में दिया गया है, डी में दिया गया है। वंदे भारत की अगर हम बात करें तो वंदे भारत किसके द्वारा लिखा गया है बताइए, अरविंद घोष के द्वारा, तो यहां पर बी का थर्ड हो गया, तो यहां पर आपका सही उत्तर बी होगा। लीडर की बात करें तो लीडर किसके द्वारा लिखा गया है, मदन मोहन मालवीय द्वारा, और मूक नायक की हम बात करेंगे तो ये भीमराव अंबेडकर द्वारा, तो यहां पर बी आपका सही उत्तर है। अब क्लास यहां पर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम जल्दी से डिस्कस करेंगे। सोम प्रकाश मैंने आपको बताया ईश्वरचंद्र विद्यासागर द्वारा लिखा गया है, ठीक है। अब यहां पर आप याद रखेंगे कि इस समाचार पत्र ने नील आंदोलन के किसानों के हितों का समर्थन किया था, तो हो सकता है पूछ ले कभी कि सोम प्रकाश में किसके किसका समर्थन किया था, तो यहाँ पे याद रखिएगा नील आंदोलन का, ठीक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की जब हम बात करते हैं तो हम विडो रीमैरिज एक्ट की बात करते हैं, ठीक है, आप सभी को ये भी पता होगा। यहाँ पर लीडर की जब हम बात करते हैं तो मैंने अभी आपको बताया ये किसके द्वारा लिखा गया है, मदन मोहन मालवीय द्वारा लिखा गया है, ये एक अंग्रेजी पत्र था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। मूक नायक अभी हमने डिस्कस किया, ये किसके द्वारा लिखा गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा, ठीक है। अच्छा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो अंतिम समाचार पत्र था वो था प्रबुद्ध भारत, ये भी याद रखिएगा, पेपर में पूछा गया है इसलिए एक बार मैंने आपको बता दिया। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रजनक बीज के थैलों पर प्रयोग किए जाने वाले बीज का रंग क्या होता है। यहाँ पे बोला गया है द कलर ऑफ द टैग अंडर द ब्रीडर सीड बैग, कौन सा कलर होता है उसका, उसका कलर होता है गोल्डन येलो, सुनहरा पीला, 12th का ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 13वां प्रश्न, 13वां प्रश्न देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्यों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एनवायरमेंट से रिलेटेड है, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज फ्रेमवर्क से रिलेटेड है, तो 2017-18-19-21 दिया गया है, ठीक है, कहां कहां हुआ है इसको देखते हैं। देखिए 2017 में कहां पे हुआ है, बॉन में हुआ है, ठीक है, 2018 में कहां पर हुआ है, कोटोवाइस में हुआ है, ठीक है, 2019 में कहां पर हुआ है, मैड्रिड में हुआ है, और 2021 में ग्लासगो में हुआ है, ठीक है, कॉप की बात की जा रही है, डी आपका सही उत्तर होगा। अब क्लास ये तो ठीक है, यहां पर आप इसको अपडेट कर लीजिए, जो COP 27 आपका 2022 में हुआ है वो इजिप्ट में हुआ है, ठीक है, और COP 28 जो 2023 में अभी दिसंबर में होगा ये कहां पर होगा, ये UAE में होगा, तो पेपर की दृष्टि से ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, क्योंकि ये UAE में होने वाला है और COP 28 है, याद रखिएगा, पेपर में पूछा जाएगा। 14 प्रश्न को अब हम देखते हैं, नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन कारण है, मतलब अभी कथन है और कारण है, assertion रीजन बेस्ड प्रश्न है, तो इसको देखते हुए चलते हैं। यहां पर दिया गया है संधारणीय कृषि, कृषि एक ऐसी पद्धति है जो मौजूदा वर्तमान और भावी पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा कर लाभप्रदता, पर्यावरणीय स्वास्थ्य और आर्थिक समता को सुनिश्चित करती है। यहाँ पर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात की गई है, और आपको पता है जहां पर भी टर्म सस्टेनेबल दे दिया जाएगा उसका मतलब ही यही होता है, टू फुलफिल द नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द फ्यूचर जनरेशन टू फुलफिल देयर नीड। आप रिसोर्सेज का इस तरीके से यूज करिए कि आपकी जरूरतें भी पूरी हो, प्लस आपके आने वाले जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी रिसोर्सेज अवेलेबल हो। कारण दिया है यहाँ पे संधारणीय कृषि मृदा की उर्वरकता को बनाए रखते हुए जल प्रदूषण को नियंत्रित करने, जैव विविधता में वृद्धि का समर्थन करने व प्रति हेक्टेयर कम ऊर्जा उपयोग एवं कम ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन में सहायक होती है। तो ये एकदम ही सही है क्लास। तो आप सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कैसे करने की बात करेंगे, जब आप वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करेंगे, बायोडायवर्सिटी को इंक्रीज करेंगे, लोअर एनर्जी कंजप्शन की बात करेंगे, ठीक है, जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन हो रहा है आप उसको कम करने की बात कहेंगे, सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करने की बात कहेंगे, तो यहाँ पर ए आपका सही उत्तर है। देखिए मैं एनवायरमेंट की क्लास में जब भी आपसे यूपीएससी के प्रश्न सॉल्व कराती हूँ तो मैं हमेशा कहती हूँ कि लेंथ देख के कि कितना बड़ा प्रश्न है उसकी डिफिकल्टी को मत अंदाजा करो। कभी कभी ऐसा होता है जो जितना बड़ा प्रश्न होता है वो उतना ही आसान प्रश्न होता है, ठीक है, बल्कि जो फैक्चुअल प्रश्न होते हैं वो आपके ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं, ये चीज याद रखिएगा हमेशा।
और स्टूडेंट इसका उल्टे में घबरा जाते हैं, जब बड़े प्रश्न होते हैं तो वो पढ़ने में ही घबराते हैं, पढ़ो आसान है लगा लोगे, ठीक है। 15 प्रश्न को देखते हैं, नीचे दो कथन दिए गए हैं, इनमें से एक अभिकथन और दूसरा कारण है, तो assertion reason based है। तो यहाँ पर हम देखते हैं खादर मिट्टियां उर्वर होती है, ठीक है, मतलब जो खादर सॉइल होती है वो आपकी फर्टाइल होती है। देखिए यहाँ पे इंग्लिश की जरूरत है तो मैं इंग्लिश बोल रही हूँ, ठीक है, खादर सॉइल्स आर फर्टाइल। फिर इसके बाद है खादर मिट्टियों में ह्यूमस की अधिकता होती है, तो ह्यूमस इज हाई इन खादर सॉइल। तो यहाँ पर क्लास जो पहला स्टेटमेंट आपका है वो तो आपका सही है, लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट है रीजन जो दिया है वो आपका गलत है। जब भी हम खादर मृदा की बात करते हैं, मिट्टियों की बात करते हैं, तो इसमें ह्यूमस और नाइट्रोजन की कमी होती है, याद रखिएगा ये चीज। अब आपको मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूं फिगर के थ्रू, यहाँ पर देखिए जल्दी से, ये देख रहे हैं आप, ये आपका हिमालयन रीजन है, ठीक है, यहाँ से आपकी नदी निकलेगी, इधर बड़े बड़े पत्थर हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं, तो जो नदियां निकल रही हैं वो इन पत्थरों के नीचे दबे रहेंगे, और इस रीजन को हम क्या कहते हैं, भाबर रीजन कहते हैं, ठीक है। फिर आप भाबर रीजन के आगे जब आएंगे तो आपको तराई रीजन मिलेगा। देखिए नेपाल और गोरखपुर वाला जो रीजन है उसको हम तराई रीजन कहते हैं, यहाँ पे आपके वो मस्तिष्क रोग बहुत होता है, क्यों, मच्छर होते हैं, तराई रीजन में मच्छर बहुत पाए जाते हैं, तो ये तराई रीजन है आपका, ठीक है, गोरखपुर और नेपाल वाला जो रीजन है ये तराई रीजन है। इसके बाद यहाँ पर जब हम आते हैं तो ये आपको रिवर दिख रही है, रिवर के बगल में जो न्यू एलुवियल सॉइल है, जलमोड़ मृदा है, उसके लिए हम जो टर्म यूज करते हैं खादर, और जो ओल्ड है उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं भांगर, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है क्लास। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखेंगे, चीजें क्लियर हो गई होगी यहां पर आपको। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर अगला प्रश्न क्या है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य से भारत की मानक समय मध्याह्न रेखा नहीं गुजरती है, तो यहां पर इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन की बात की गई है, आईएसटी की बात की गई है, तो वो किस राज्य से नहीं गुजरती है ये बोला गया है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ से गुजरती है, उड़ीसा से गुजरती है, ठीक है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, तमिलनाडु से नहीं गुजरती है, तो डी आपका सही उत्तर होगा। मैप में इसको हम देख लेते हैं, ये आपको दिख रहा है 82 degree 5 second, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ उत्तर प्रदेश से गुजर रही है, ठीक है, यूपी से, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश से गुजर रही है, फिर छत्तीसगढ़ से गुजर रही है, फिर कहां से गुजर रही है, फिर आपका उड़ीसा से गुजर रही है और आंध्र प्रदेश से गुजर रही है, हो गया ये, तो यहाँ पे ये याद रखिएगा, ये 5 राज्यों से गुजरती है। यहाँ पे आप यू कोमा, ठीक है, गलत बात है, किसी को बोलना नहीं चाहिए यू कोमा, मतलब यू इन कोमा, किसी को कोमा में नहीं भेजने की बात करनी चाहिए, लेकिन याद रखने के लिए आप याद कर सकते हैं, तो यूपी, छत्तीसगढ़, ठीक है, फिर उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तो यू कोमा करके आप याद कर सकते हैं, लेकिन किसी को सोचिएगा मत, ठीक है। 17 प्रश्न को अब हम देखते हैं, निम्नलिखित शैल समूहों में से में कौन भारत में सर्वाधिक मात्रा में खनिज प्रदान करता है, तो यहाँ पे देखिए मिनरल्स की बात की गई है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जब भी हम बात करेंगे मिनरल्स की तो सबसे ज्यादा मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं, धारवाड़ रीजन में, ठीक है, और अगर कोयले की बात करेंगे तो गोंडवाना रीजन में। देखिए क्लास, अगर हम बात करें भारत की निम्न चट्टानों की उत्पत्ति का क्रम, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, आर्चियन होती है, याद रखिएगा, उसके बाद फिर आपकी धारवाड़ होती है, ठीक है, फिर कोटप्पा होती है, फिर विंध्यन होती है, फिर गोंडवाना होती है, फिर डेक्कन होती है। पेपर में कई बार ये प्रश्न पूछा है, तो यहाँ पर एक बार हम व्याख्या में देखते हैं ताकि आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। भारत के निम्न चट्टानों की उत्पत्ति का क्रम, सबसे पहले आर्चियन होती है, ठीक है, फिर धारवाड़ होती है जहां पे सर्वाधिक खनिज मिलते हैं, आपको आयरन भी धारवाड़ रीजन से मिलता है, फिर कुटप्पा रीजन होता है, फिर विंध्यन क्रम, विंध्यन चट्टाने होती है, फिर गोंडवाना होती है जहां पर हम बोलते हैं कि अधिकतम कोयला आपको कहां से मिलता है, गोंडवाना से मिलता है, फिर दक्कन क्रम होता है। तो ये 6 क्रम आप याद रखिएगा क्योंकि पेपर में पूछता है, ठीक है। अरावली पर्वत की अगर हम बात करें तो अरावली पर्वत धारवाड़ क्रम की चट्टानों का उदाहरण है, और यहाँ पे जो शुरुआती तीन है, आर्चियन, धारवाड़ और कटप्पा, ए डी के, यहाँ इन तीन में आपके जीवाश्म नहीं मिलता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, इनमें फॉसिल्स नहीं मिलते हैं, जीवाश्म मतलब, ठीक है,
आपके सबसे ज्यादा जीवाश्म अगर हम देखेंगे तो गोंडवाना में मिलते हैं, वहां पे कोयला भी मिल रहा है ना। ठीक है, 18वां प्रश्न देखते हैं। बादामी क्रांति, बादामी क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? तो बादामी क्रांति किससे संबंधित है बताइए, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी प्रोडक्शन से, अनियन प्रोडक्शन से, स्पाइस प्रोडक्शन से, या फिर पेट्रोलियम प्रोडक्शन से? तो बादामी क्रांति जो है वो आपका मसाला उत्पादन से रिलेटेड है, स्पाइस प्रोडक्शन से। अब यहाँ पर मेरा कर्तव्य है आपको कुछ और क्रांतियां बताना, जैसे भूरी क्रांति जो है वो फर्टिलाइजर से, उर्वरक से रिलेटेड है। ठीक है, फिर यहाँ पे पिंक रिवॉल्यूशन की जब हम बात करेंगे, गुलाबी क्रांति की, तो ये झींगा से रिलेटेड है, प्याज से रिलेटेड है। ठीक है, काली क्रांति पेट्रोलियम से, सफेद आप सभी को पता है दूध से, और जब भी हम दूध की बात करते हैं तो फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन की जब हम बात करेंगे तो आप किसका नाम याद रखेंगे, वर्गीसी कुरियन का याद, नाम याद रखिएगा, ग्रीन रिवॉल्यूशन में स्वामी सॉरी क्लास, जब ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करते हैं तो एमएस स्वामीनाथन का नाम सबको याद रहता है, लेकिन व्हाइट रिवॉल्यूशन भी याद रखिएगा, वर्गीसी कुरियन का नाम। ठीक है, फिर उसके बाद जब हम रिवॉल्यूशन येलो रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, पीली क्रांति की, तो ये खाद्य तेलों से रिलेटेड है। ब्लू क्रांति की जब हम बात करते हैं तो ये फिशरीज से रिलेटेड है, मत्स्य से। ग्रे क्रांति की बात करते हैं तो ये भी उर्वरक से रिलेटेड है आपकी। ठीक है, सिल्वर क्रांति की जब हम बात करते हैं तो अंडे की बात करते हैं। ठीक है, रेनबो क्रांति की जब हम बात करते हैं तो ये आपकी, इसमें हरित, पीली, नीली, लाल, गुलाबी, भूरी, गूसर और अन्य सभी क्रांतियों को साथ लेकर चलते हैं, मतलब सारी क्रांतियां आपकी रेनबो क्रांति में होती है। अच्छा, गोल क्रांति की बात करेंगे तो आलू उत्पादन से रिलेटेड है। यहां पर देखिए कितना अच्छा बोला गया है, यहाँ पर ग्रीन क्रांति नहीं दी गई है, ग्रीन रिवॉल्यूशन नहीं दिया गया, क्योंकि उनको पता है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन से रिलेटेड सारे स्टूडेंट को पता है। कल की क्लास में मैंने आपको बताया है जब हम विलियम गॉड की बात करेंगे तो इन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन टर्म दिया है। ठीक है, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन अगर हम वर्ल्ड में बात करेंगे तो नॉर्मन बोरलॉग का नाम आप याद रखेंगे। ठीक है, और अगर आपसे बोलेगा फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया तो आप एम एस स्वामीनाथन जी का नाम याद रखेंगे। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है क्विक रिवाइज करते हुए, चलिए चीजों को, सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ देखिए। इस टेस्ट सीरीज में हम पूरा ध्यान देते हैं कि सारे सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा पार्ट हम कवर करें, हिस्ट्री का, यूपी स्पेशल का, ज्योग्राफी का, एनवायरमेंट का, सब कवर होते हुए चले, पॉलिटी कवर होते हुए चले। अब पेट्रोलॉजी का संबंध किस चीज से है, अब ये देखिए एक साइंस का प्रश्न है, बताइए पेट्रोलॉजी का संबंध किस चीज से है? तो पेट्रोलॉजी का संबंध जो है वो शैलो के अध्ययन से है। ठीक है, यहाँ पे स्टडी ऑफ रॉक, बी आपका सही उत्तर है। अब क्लास अगर हम कवक के अध्ययन की बात करेंगे, ठीक है, मतलब फंगाई के अध्ययन की बात करेंगे तो ये आपका रिलेटेड होता है माइकोलॉजी से। ठीक है, माइकोलॉजी से याद रखिएगा। मृदा के अध्ययन की हम बात करेंगे तो पीडोलॉजी से, पेपर में कई बार पूछा है इसके बारे में, पीडो, PEDOLOGY। ठीक है, और फिर जब हम डिजिटल मुद्रा के अध्ययन की बात करेंगे तो ये किस चीज से रिलेटेड है बताइए, डिजिटल मुद्रा का अध्ययन किस चीज से रिलेटेड है? तो ये आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, और किस चीज से रिलेटेड है? तो यहाँ पर देख लीजिए क्लास, माइकोलॉजी कवक का अध्ययन, पाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन, और पीडोलॉजी जो है वो मृदा का अध्ययन। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अगला प्रश्न अब हम देखेंगे, अगले प्रश्न को ध्यान से देखिए क्या है, भारत की मीठी पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो यहाँ पर भारत की मीठी पानी की सबसे बड़ी झील आपकी है डल झील, वूलर झील, रुद्र सागर झील या लोकटक झील? यहाँ पर सही उत्तर है आपका वूलर झील। वूलर झील के बारे में अगर हम बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, आप सभी को पता है। ठीक है, इस झील का निर्माण किस नदी द्वारा किया जाता है? याद रखिएगा झेलम नदी द्वारा, पेपर में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अगर पूछेगा कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है तो आप याद रखेंगे चिल्का झील। वो कहां पर है? चिल्का कहां पर है? उड़ीसा में है, याद रखिएगा उड़ीसा में। ठीक है, चलिए। अच्छा, लोकटक झील की अगर हम बात करें, लोकटक झील कहां पर है बताइए? मणिपुर में है, याद रखिएगा। ठीक है, रुद्र सागर झील कहां पर है? त्रिपुरा में है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 21वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अफ्रीका देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है? तो भूमध्य सागर से किसकी सीमा नहीं लगती है? यहाँ पर लीबिया दिया है, सूडान दिया है, ट्यूनिशिया दिया है, मोरक्को दिया है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर तो सूडान है। अब मेरा कर्तव्य है आपको एक्सप्लेन करना ढंग से। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर मोरक्को दिख रहा है आपको, अल्जीरिया दिख रहा है आपको, ठीक है,
ट्यूनीशिया दिख रहा है आपको, लीबिया दिख रहा है आपको, तो आपके ऑप्शन में लीबिया दिया गया था, ठीक है, मोरक्को दिया गया था, ठीक है, फिर आपको क्या दिया गया था, सूडान, मैंने बताया था सूडान से नहीं लगती है, और एक ऑप्शन आपको ट्यूनीशिया दिया गया था। तो याद रखिएगा यहां पर ये चीज, ठीक है, माल्ट करके आप याद कर सकते हैं, MALT माल्ट, ठीक है, या माल्टी करके कैसे भी याद कर लो, तो यहां पे माल्ट, MALT माल्ट, कैसे, यहां पे मोरक्को हो गया, अल्जीरिया हो गया, ठीक है, लीबिया हो गया और ट्यूनीशिया हो गया, माल्टी, यहां पे इजिप्ट हो गया, ऐसे माल्टी, ठीक है, तो माल्टी करके याद रखोगे तो याद रहेगा कि मेडिटेरेनियन सी से अफ्रीकन कंट्री की कौन कौन सी कंट्री, आपके अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कौन कौन सी कंट्री अपनी बाउंड्री शेयर करती है, तो माल्टी लिख लो एक जगह, माल्टी। अब यहां पे इस क्लास में अगर कोई माल्टी नाम की लड़की होगी तो उसको तो याद ही हो गया होगा, उसको तो अब रटने की जरूरत ही नहीं है, मैम आपने तो मेरा नाम ले लिया। चलो 22वें प्रश्न को देखते हैं, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त पद का सृजन किस वर्ष किया गया था, तो ये सृजन आपका हुआ था 1975 में, याद रखिएगा। इसका कार्यकाल कितने, मतलब इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 8 इयर्स का होता है, ठीक है। और अगर उत्तर प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त की बात करें तो वो कौन है, कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए 23वें प्रश्न को देखते हैं, थोड़ा सा होमवर्क भी लेके जाया करिए, जैसे स्कूल में जो हम लोगों को एक्टिविटी सिखाई गई थी, क्लास वर्क भी दिया जाता था, होमवर्क भी दिया जाता था, तो होमवर्क हम घर से करके आते थे, क्यों, उसके पीछे एक पर्पस होता था कि मेरे पढ़ाने के बाद ऐसा ना हो कि शांति से बैठ जाओ, अरे दिमाग में कुछ प्रश्न चलते रहने चाहिए ना, कि मैम ने पूछा है तो उत्तर देना हमारा कर्तव्य है, जैसे मैम का कर्तव्य है पढ़ाना, हमारा कर्तव्य है उत्तर देना, तो उत्तर कमेंट बॉक्स में दे दिया करो मन किया करे तो। चलो 23वें प्रश्न को देखो, सूची एक को सूची दो से सुमेलित करिए, यहां पर आप ये देखते हैं दिया सलाई उद्योग कहां पर है, बताओ, दिया सलाई उद्योग बरेली में है, ठीक है, बरेली की बर्फी जब से मूवी आई तब से लोगों को ज्यादा ध्यान में रहता है चीजें, ठीक है, दिया सलाई उद्योग बरेली में, ठीक है, सीमेंट उद्योग की बात करेंगे तो ये चुर्क में, ठीक है, फिर वुड कार्विंग की बात करेंगे, लकड़ी पर नक्काशी की बात करेंगे, सहारनपुर, ठीक है, और फिर अगर हम बात करेंगे पत्थर का कार्य तो ये कहां पर है, बांदा में, तो ए आपका सही उत्तर है, ए आपका सही उत्तर है। चुर्क कहां पर है बताइए क्लास, चुर्क सोनभद्र में है, ठीक है, सीमेंट उद्योग के लिए फेमस है। अगला प्रश्न हम देखेंगे 24वां प्रश्न, निम्नलिखित समितियों में से कौन कौन से युग्म सुमेलित हैं, तो देखते हैं एलके झा समिति जो है वो संशोधित मूल्य वर्धित कर, ठीक है, और रेखी समिति जो है वो प्रत्यक्ष कर से रिलेटेड है, ऐसा प्रश्न इकोनॉमी में आपका पूछता है कि कौन सी कमिटी किस चीज से रिलेटेड है, तो प्लीज क्लास इसको ध्यान से देखिएगा, रेखी समिति जो है वो डायरेक्ट टैक्स से नहीं, वो इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड है, तो यहां पर आपका सही उत्तर खाली ए है। अब हम कुछ कमिटीज देख लेते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, जैसे रंगराजन कमेटी में डिसइन्वेस्टमेंट की बात की गई है, विनिवेश की बात की गई है, ठीक है, नरसिम्हम कमेटी की बात करेंगे तो ये फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म से रिलेटेड है, वित्तीय क्षेत्र में सुधार से रिलेटेड है, केलकर कमेटी कर सुधार से रिलेटेड है, मल्होत्रा कमेटी जो है वो इंश्योरेंस रिफॉर्म से, बीमा सुधार से रिलेटेड है, आबिद हुसैन कमेटी की जब हम बात करेंगे तो ये लघु उद्योग से रिलेटेड है, ठीक है, बेसल कमेटी की जब हम बात करेंगे तो ये बैंकिंग पर, ये बैंकिंग सुपरविजन से रिलेटेड है, याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग, स्क्रीनशॉट तो जरूर ले लीजिए, ले नहीं सकते ले लीजिए, कमिटी से रिलेटेड, समिति से रिलेटेड प्रश्न पेपर में पूछा जाता है। दीपक पारेख कमेटी की बात करेंगे तो ये आपका यूटीआई से रिलेटेड है, हनुमंत राव कमेटी कई बार पूछा गया है, फर्टिलाइजर से रिलेटेड, राजा चिलैया कमेटी टैक्स रिफॉर्म, रेखी कमेटी अभी हमने देखा इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड है, टंडन कमेटी ये कैपिटल फाइनेंसिंग बाय बैंक से रिलेटेड है, तारापुर कमेटी आपका कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी से रिलेटेड है, और वागुल कमेटी जो है वो मनी मार्केट से रिलेटेड है, याद रखिएगा। जीवी रामकृष्ण कमेटी की बात करेंगे तो डिसइन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, विनिवेश से रिलेटेड है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक और डिसइन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एक कमेटी का नाम बताया है, बताइए कौन सा था, वो आपका था रंगराजन कमेटी विनिवेश से, ठीक है, तो जीवी रामकृष्ण कमेटी का भी याद रखिए। गारपोरिया कमेटी किस चीज से रिलेटेड है, ये आपका इंप्रूवमेंट इन कस्टमर सर्विस अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक से रिलेटेड है, ठीक है, प्राथमिक
सरकारी बैंकों में ग्राहक सेवाओं में सुधार के लिए। जेआर वर्मा कमेटी की बात करेंगे तो ये आपके करंट अकाउंट कैरिंग फॉरवर्ड प्रैक्टिस से रिलेटेड है। जानकी रमन कमेटी की बात करेंगे तो ये प्रतिभूति लेन देन से सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है। अब क्लास ये आपको रटना होगा, इसमें मुझे कुछ समझाना नहीं है, मैं बस आपको लिस्ट प्रोवाइड कर सकती हूँ, तो आप स्क्रीन शॉट लीजिए, ठीक है। आप वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीन शॉट लीजिए, फिर वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीन शॉट लीजिए, फिर वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीन शॉट लीजिए। 25th प्रश्न को अब हम देखेंगे। ट्रिप्स और ट्रिम्स किससे संबंधित है बताइए, ये किस समिति से रिलेटेड है आपके? तो ये आपका जो रिलेटेड है, ये आपका रिलेटेड है किस कमिटी से? ये ठीक है क्लास, ये आपका डंकल प्रस्ताव से रिलेटेड है, ठीक है। 25th का सी आपका सही उत्तर है, डंकल प्रस्ताव से। अगला प्रश्न देखते हैं, 26वां प्रश्न। भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत किसने शुरू किया था? तो शक संवत किसके द्वारा शुरू किया गया था, ये पेपर में पूछा गया प्रश्न है, कनिष्क द्वारा। तो 26वें का ए आपका सही उत्तर है, ठीक है। अब क्लास कनिष्क से रिलेटेड हम कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। आपको पता है कनिष्क किस वंश से बिलोंग करता था? कुषाण वंश से, ठीक है, याद रखिएगा। इसका उपनाम दूसरा अशोक है। कनिष्क की दो राजधानियां थी, एक पुरुषपुर, ठीक है, और दूसरा मथुरा। फिर कनिष्क की जब हम बात करते हैं तो आपको पता है कनिष्क बौद्ध धर्म संप्रदाय के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। और आपको यह भी पता है जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो किसके समय में हुई है? कनिष्क के समय में हुई है, ठीक है। यहां पर हम दरबारी आचार्य की बात करें तो यहां पर आप याद रखिएगा नागा अर्जुन किसके समय में था? नागा अर्जुन जो थे वो कनिष्क के समय में थे, ठीक है। पार्श्व किसके समय में थे? वाशुमित्र किसके समय में थे? ये सभी कनिष्क के समय थे। अश्वघोष जो है, जो राजकवि थे, वो किसके समय में थे? कनिष्क के समय में थे, ठीक है, याद रखिएगा। पेपर में पूछता है ये चीजें, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। कनिष्क के समय में राजवैद्य कौन थे? चरक थे, ठीक है। और भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग रूट का, या सिल्क मार्ग सिल्क रूट का आरंभ किसके समय में हुआ था? कनिष्क के समय में हुआ था। अब अभिलेख की बात कर लेते हैं, रप्तक अभिलेख। रप्तक अभिलेख किसके समय का है बताइए? कनिष्क के समय का है, ठीक है। और ये कहां पर है? ये आपका अफगानिस्तान में खोजा गया है, प्लेस भी याद रखिएगा। मैंने आपको बता दिया जो चौथी बौद्ध संहिता थी वो कनिष्क के समय में हुई थी, कश्मीर में हुई थी, कुंडलवन में हुई थी, याद रखिएगा। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? वशुमित्र ने की थी, और उसके उप अध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष थे, ये भी याद रखिएगा। और इसी समय बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो संप्रदायों में विभाजित भी हुआ था। ये सब मैंने आपको बताई चीजें हैं, ये सब, ठीक है। फिर ये हम बस रिवाइज कर रहे हैं चीजों को, इतने टेस्ट हो चुके हैं जिसमें कि काफी चीजें आपको बता दी गई है, ठीक है। यहां पर देख लीजिए, इस संगीति में बौद्ध धर्म के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया तथा प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखकर उन्हें महाविभाष शास्त्र नामक टीकाओं में संग्रहित किया गया, ये याद रखिएगा। ये मैंने आपको पहली बार बता रही हूं। कनिष्कपुर नामक एक नगर की स्थापना की थी, वो तो आप नाम से भी बता सकते हैं। और गांधार और मथुरा शैली की बात अगर हम करें तो ये किसके समय में आपकी विख्यात हुई थी, किसके समय में विकसित हुई थी? ये कनिष्क के समय में। चलिए अब बस, अब इससे ज्यादा नहीं, अब अगले क्लास में डिस्कस करेंगे इससे ज्यादा। 27 प्रश्न को अब हम देखते हैं। उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश तथा दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश जैसी महत्वपूर्ण घटनाएं वायुमंडल के किस स्तर पर देखने को मिलती है? तो ये आपके आइनोस्फीयर में देखने को मिलती है। आप सभी को पता है जो सबसे निचली सतह होती है वो क्षोभ मंडल होती है, जिसको कि हम ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। क्षोभ मंडल के बाद आपका समताप मंडल आता है, फिर मेसोस्फीयर आता है, फिर आइनोस्फीयर आता है, मध्य फिर आयन मंडल, ठीक है। आपको ये भी पता है जो आपकी ओजोन लेयर है वो समताप मंडल में मिलती है आपको, जो कि यूवी रेस को, अल्ट्रावायलेट रेस को, ठीक है, आने से रोकती है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, 28वां प्रश्न। यहां पर देख लीजिए क्लास, यहां पे अयस्क दिए गए हैं और धातु दिए गए हैं। किसके अयस्क हैं और किसके हैं? तो यहां पे सबसे पहले आपको सीना बार दिया गया है जो कि मरकरी। पेपर में ये कई बार पूछा है। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, मतलब पुराने नहीं बोलना चाहिए, जो इसके पहले पेपर दे चुके हैं उनको समझ में आ रहा होगा कि कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये सब। ये कितनी बार पूछा गया बताओ कमेंट में, सीना बार कितनी बार पूछा गया? ये किसका ओर है? ये मरकरी का ओर है, ठीक है। गैलिना किसका ओर है बताइए? लेट का ओर है, ठीक है। अर्जेंटाइन किसका ओर है? सिल्वर का ओर है, ठीक है। अब यहां पर देखिए कैसेटेराइट जो है वो किसका ओर है? एल्यूमिनियम दिया, ये एल्यूमिनियम का ओर नहीं है, तो मैम ये किसका ओर है? ये टिन का ओर है, याद रखिएगा। ऐसे प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं साइंस के, तो इसको ध्यान में रखिएगा, सबके ओर याद कर लीजिएगा।
29 प्रश्न को देखते हैं हम। लाल रक्त कोशिकाओं के बचाव अध्ययन में किस रेडियो एक्टिव तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो किस रेडियो एक्टिव तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो यहां पर आपका सही उत्तर है क्रोमियम 51। क्रोमियम 51 याद रखिएगा। चलिए अच्छा, आर्सेनिक अगर हम बात करें, आर्सेनिक 74 का यूज किस लिए किया जाता है? तो ट्यूमर की पहचान के लिए किया जाता है। ठीक है, आयोडीन 131 यहां पर हम देख ही लेते हैं व्याख्या में, तो आपको ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। यहां पर देख लीजिए क्लास, आर्सेनिक 74 की बात करेंगे तो ट्यूमर की पहचान के लिए, आयोडीन 131 का यूज करेंगे तो थायराइड, थायराइड आपका किसकी कमी से होता है? रोग, आयोडीन की कमी से थायराइड ग्लैंड आपका फूल जाता है। सोडियम 24 की बात करेंगे तो रक्त विकृति, ठीक है। फिर कोबाल्ट 60 की बात करेंगे तो कैंसर के निदान के लिए प्रयुक्त होने वाली, ये भी पूछा गया प्रश्न है साइंस का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लो, रिपीट होता ही है ये सब प्रश्न, ठीक है। चलो अच्छा, यहाँ पे ये भी देख लो, फॉस्फोरस 32 की बात करेंगे तो ल्यूकेमिया में, ठीक है, आपको पता है व्हाइट ब्लड सेल की वजह से ये होता है, WBC की वजह से, ठीक है। कोबाल्ट 60 की बात करेंगे तो ये आपका न्यूट्रॉन की बराबरी, फलस्वरूप गामा किरणें उत्सर्जित होती है जो कि विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होती है, और इसका हम प्रयोग किसमें करते हैं? जो मस्तिष्क में जो आपके ट्यूमर होते हैं ना, उनको नष्ट करने के लिए, ये याद रखिएगा, ब्रेन ट्यूमर में कोबाल्ट 60 का यूज होता है, ठीक है। आयोडीन 131 का मैंने आपको बता दिया, ये आपका थायराइड ग्रंथि के लिए यूज होता है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 30वां। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? देखिए क्लास, बहुत सी चीजें मैं आपको पढ़ते समय बता देती हूँ, व्याख्या को बार बार पढ़ना समय की बर्बादी करना होगा, अगर मैं व्याख्या को पढ़ने बैठूंगी ना तो बहुत समय बर्बाद होगा, इसीलिए जो इतने पॉइंट्स मुझे याद आते हैं मैं आपको बताते हुए चलती हूँ, और अगर कोई नए पॉइंट्स मुझे मिलते हैं तो वो भी मैं डिस्कस कर लेती हूँ। अब यहाँ पर देख लीजिए, हड़प्पा स्थल है और प्राप्त वस्तुएं हैं। हाथी के दांत का पैमाना कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है, जो कि एकदम सही है। घरों में निजी कुएं हड़प्पा से मिला है? नहीं, हड़प्पा से नहीं, मोहनजोदड़ो से मिला है, ठीक है। जुते हुए खेत कालीबंगा से मिला है? सही है। उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था धौलावीरा, ठीक है, ये भी सही है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, घरों में निजी कुएं कहां से मिला है? ये आपका मोहनजोदड़ो से मिला है। हम देखते हैं 31st प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस से जुड़े हुए नहीं थे? तो यहाँ पर कौन जुड़े हुए नहीं थे बताइए? यहाँ पर आपका एनएम जोशी जुड़े हुए थे, मैंने कल ही आपको बताया है एनएम जोशी के बारे में। दीवान चमन लाल बजाज भी थे, जोसेफ मेट्रिस्टा भी थे, और लेकिन वीपी वाड़िया नहीं थे। तो यहाँ पे डी आपका सही उत्तर है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के बारे में मैंने आपको ये चीज बताई थी, ठीक है, 1920 में इसका गठन हुआ था। हम देखेंगे, अब मैंने आपको बताया था कि लाला लाजपत राय ने इसकी अध्यक्षता की थी, और 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने भी इसकी अध्यक्षता की थी। कहां की थी? नागपुर में की थी, ठीक है। ये सारी चीजें डिस्कस की हुई है, बार बार रिपीट करने का कोई मतलब नहीं। चलिए 32nd प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो बताइए सबसे पहले कौन सा युद्ध हुआ है? युद्ध पे भी बेस्ड एक प्रश्न हमने कल डिस्कस किया था। मैंने आपको कहा था पानी खाना, पानी भी खा लो, खाना भी खा लो, और चंदेरी का घाघरा पहन लो, मैंने बताया था ना ये। तो यहां पे जब हम बात करते हैं पानीपत युद्ध की, जो कि बाबर के समय के युद्ध की बात कर रहे हैं, पानी खाना चंदेरी घाघरा, तो पानीपत खानवा चंदेरी और घाघरा, ठीक है। तो पानीपत कब हुआ है? 1526 में हुआ है। खानवा कब हुआ है? 1527 में हुआ। चंदेरी कब हुआ है? 1528 में हुआ है। और घाघरा कब हुआ है? 1529 में हुआ है, ठीक है। घाघर है, घाघरा तो मैं याद करते करते घाघरा बोल दी, घाघर याद रखना, ठीक है, घाघर, घाघरा नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ये बस ये याद करने का तरीका मैंने आपको बताया था। तो यहां पर देख लीजिए, अगर हम इसको अरेंज करेंगे तो सबसे पहले आपका कौन सा आ जाएगा? सबसे पहले आपका खानवा आ जाएगा, जो कि कब हुआ है? 1527 में, ठीक है। फिर चंदेरी 1528 में, इतना तो हो गया। तो चार के बाद तीन, चार के बाद देखो तीन, अगर तुमको पता है तो सीधे डी ऑप्शन लगा सकते हो, जरूरी नहीं है सब आपको पता हो, अगर आपको पता है तो खट से आप लगा दोगे। देखो चंदेरी हो गया, ठीक है, घाघरा मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ये आपका 1529 में हुआ। फिर चौसा का युद्ध 1539 में हुआ, ये भी हमने डिस्कस किया है, किसके किसके बीच हुआ था बताओ? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। फिर 1540 में आपका कन्नौज का युद्ध हुआ है, ये भी याद रखिएगा, ये भी किसके बीच में हुआ था? मुगलों और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था।
और इस युद्ध के परिणाम स्वरूप हुमायूं शेरशाह सूरी द्वारा पराजित हो गया था पूरी तरीके से। 1565 की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर एक युद्ध हुआ है, तालीकोट का युद्ध, ठीक है, ये याद रखिएगा, तालीकोट का युद्ध पेपर में पूछता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको हम राक्षसी तंगड़ी युद्ध भी कहते हैं, और विजयनगर साम्राज्य के दौरान दक्कन सुल्तान के महासंघ के बीच हुआ था ये युद्ध। यहाँ पर अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा और बीदर शामिल थे। कौन कौन से आपके शामिल थे साम्राज्य, ये भी याद रखिएगा क्लास, ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखेंगे, 33वां प्रश्न, भारत में खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, बताइए। खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, तो 33 का ए आपका सही उत्तर है। अब हिमाचल प्रदेश में हम कुछ और राष्ट्रीय उद्यान को देख लेते हैं, जैसे पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। सिम्बाल बरा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। और इंदिर किला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। 34th प्रश्न को अब हम देखते हैं, 34th प्रश्न क्या है, भारत में शास्त्रीय भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा तभी दिया जा सकता है जब उस भाषा का साहित्य 1500 से 2000 वर्ष पुराना हो, और भारत में अभी तक मात्र 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो यहाँ पे दोनों ही आपका सही उत्तर है, यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए सी आपका सही उत्तर है। अगर हम सांस्कृतिक भाषा की बात करें, क्लासिकल लैंग्वेज की बात करें, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़ीसा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 35वां प्रश्न, निम्नलिखित शैल समूहों में से कौन सा जीवाश्म रहित नहीं है, ठीक है। यहां पर क्या बोला गया, किसमें फॉसिल, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक इज नॉट फॉसिल, मतलब किसमें जीवाश्म रहित नहीं है बोला गया है। तो अभी मैंने आपको बताया था जो स्टार्टिंग के है, धारवार, आर्चियन, धारवाड़, कटप्पा, यहाँ पर आपके फॉसिल्स नहीं पाए जाते हैं। गोडवाना आपका फॉसिल रिच है, यहाँ पर कोयला मिलता है, तो ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच क्लास, यहाँ पर आज हम इस सेशन को एंड करेंगे। आज की क्लास में हमने 35 प्रश्नों को डिस्कस किया, लेकिन 35 प्रश्नों के साथ हमने बहुत से मुख्य बिंदुओं को भी डिस्कस किया जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हम नेक्स्ट क्लास में आपके साथ मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ, ठीक है, जहां पर हम पूरा प्रयास करेंगे कि दोनों माध्यम के स्टूडेंट्स को चीजें समझ में आए। जहां पर जरूरत होता है ट्रांसलेशन की, वहां पे मैं ट्रांसलेशन करती हूँ, ठीक है, मैं पूरा प्रयास करती हूँ, लेकिन जहां पर जरूरत नहीं होती है मैं क्वेश्चन को इंग्लिश में दोबारा इसलिए नहीं पढ़ती हूँ ताकि समय बचत हो आप लोगों की, इस वजह से। नहीं तो मुझे पता है बहुत दिक्कत होती है जब समय कम समय में कम प्रश्न, मतलब ज्यादा समय में कम प्रश्न लगाए जाते हैं। तो होप आपको क्लास अच्छी लग रही हो, अगर अच्छी लग रही हो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है, और इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। आपका दिन मंगलमय हो, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए।